जय श्री कृष्ण। नमस्ते। चैप्टर 5 हमने पूरा कर दिया है। जय विज्ञान की बहुत सारी जानकारी से मिली है हमें। जय विज्ञान की जो हमारे देश में जितना भी विकास हुआ है, जितने भी सुविधाएं बढ़ गई है, जिससे हमारा टाइम बच गया है और सुविधा पाई है, तो ये विज्ञान के कारण हम सब कुछ पा सके, सुख सुविधाएं। आज चैप्टर नंबर 6 न्याय पढ़ने जा रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ, आपको ध्यान रखना है, बाद में आपको पढ़ना है, बाद में स्वाध्याय। इस कहानी में चातुर्य की बात है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपने सोना मोहरे मित्र की यह तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरे नहीं मिलती। वह काजू से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपने चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलाता है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमता की एक झलक देती है। पुराने जमाने में ईरान की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरे इकट्ठी हो गई, तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। चूंकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। पूंजी तो जो भी कमाई की है, वो पैसे, वो दाम, वो सोना है, बराबर। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरे अलग रखी। फिर एक गड्ढे में बची हुई मोहरे डालकर तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र राजीव के घर गया। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का गड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। मक्का से लौट कर ले लूंगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना गड़ा तहखाने में रख आइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा गड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गए। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गए। दावत मीन्स भोजन पाने का आमंत्रण। मुसलमान भाइयों में इसे दावत बोलते हैं, है ना, इनविटेशन। तो शादी में या कोई प्रसंग हो तो घर पे खाना खाने के लिए बुलाया जाता है, उसे दावत। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाए हुए तेल खत्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीवी अपना सिर उजलाने लगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के गड़े की याद आई। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के गड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। इस समय बाजार तो बंद है। कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर गड़े भर देंगे। ख्वाजा
रात ही आकर तो तेरे नहीं मांगेंगे। बिनिक बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब गड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब गड़े में से सिक्कों की आवाज आई। उसे लगा कि गड़े में तेल से तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल दिया। उसने देखा कि गड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लाकर गड़े में भर दिया। उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। कुछ दिनों बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आए। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसमें उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। पैरों तले जमीन ही खिसक गई, वह सिर पकड़ कर बैठ गया। पैरों तले से जमीन खिसकना तो आघात लगना, क्या आघात लगना, और सिर पकड़ कर बैठ जाना तो हताश होना, निराश होना। सिर पकड़ कर बैठ गए क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा अब क्या किया जाए। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। उल्टे पांव मीन्स तुरंत ही वापस गया, है ना, उल्टे पांव ऐसे नहीं जाना है, लेकिन वही ताबड़ तो वापस वाजिद के घर आया। सिल्वर तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया, मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरें थी। दोनों मित्रों ने कहा सुनी होने लगी। कहा सुनी मीन्स बातों की लड़ाई, है ना, कहा सुनी मीन्स बातों की लड़ाई। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा आप काजी की अदालत में जाइए, वही आपके झगड़े को मिटा सकता है, है ना, काजी भी न्याय करने वाला। तो ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहां अपील की और न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। एक सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था। खलीफा एक दिन अपना वेश बदल कर शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वह छिप कर उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि लड़का तो न्यायाधीश बना है, बड़ा समझदार है।
अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा मेरा नाम हसन है। खलीफा ने कहा मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा वाजिद और हसन उपस्थित हुए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। हसन ने दोनों की बात ध्यान से सुनी, फिर उसने दो तेलियों को बुलाया। थोड़ी देर में दो तेली आ गए। हसन ने उनसे कहा आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पूरा है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय दिया, घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज्यादा नहीं। वे बोले। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गए। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि अगर आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरे निकाली है, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की, है ना। तो आप ये पढ़ेंगे, आप आराम से पढ़ना है और बाद में शब्दार्थ मुहावरे और प्रश्नों के उत्तर मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। बाद में एक कहानी है, वो बहुत छोटी कहानी है, आगे आप पढ़ चुके हैं, मैं आपको ये बताऊँ, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर का नंबर 1 खत्म होता है ना। तो ध्यान से देखिए वीडियो, समझिए बराबर, वाजिद कौन है, खलीफा कौन है, हसन कौन है, बराबर। और ये बगदाद किसका नाम है, सब पूरे ये चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। मैंने अच्छी तरह से समझाया और समझना है तो मैं दूसरे वीडियो में स्वाध्याय के साथ भी समझा दूंगा। ओके बाय।